गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट्थ के सब्जेक्ट एसएससी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर फोर को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज रूल एंड सम रूल्स मेड इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर आवर सोसाइटी वी हैव डिस्कस अबाउट। पिछले वीडियो में हमने रूल क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण हमारे समाज के लिए क्या क्या रूल है उनको हमने उसके बारे में हमने पढ़ा था। टुडे वी डिस्कस अबाउट द लॉ एंड द डिसेंट। लॉ क्या होता है? लॉ इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर द वेलफेयर एंड इफिशियंट एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। नियम बनाया जाता है देश को अच्छी ढंग से चलाने के लिए, कोई परेशानी नहीं हो, सब सही ढंग से रहें, इसके लिए लॉ बनाया जाता है। लॉ आर फॉर्मुलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोगों कल्याण के लिए लॉ बनाया जाता है। बट ए सिचुएशन में अराइज वेयर लॉ माइट हैव नॉट बीन इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल। उस स्थिति में हम देखते हैं, मान लीजिए कि कानून बनाया गया और वो कानून हमारे देश की जनता के हित में नहीं है, उसे देश की जनता को नुकसान हो रहा है, उस स्थिति में जनता पीपुल हैव राइट टू प्रोटेस्ट सच टाइप ऑफ लॉ। तो जनता को इस तरह के कानून का विरोध करने का पूरी तरह से अधिकार है। इसमें जनता चाहती है तो विभिन्न माध्यमों से, खास करके बहुत सारे माध्यम हैं जिसके जनता अपने विरोध दर्ज कराती है, उसमें न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, इसके माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं उसमें कॉलम लिखते हैं, उसमें अपना लेख लिख देते हैं कि जो भी कानून है देश की जनता के हित में नहीं है। टीवी के माध्यम से बहस होती है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें भाग लेते हैं और उस पर चर्चा होती है कि देश के हित में ये कानून है या नहीं है। इसके विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जनता अपना विरोध दर्ज कराती है और उस स्थिति में व्हेन द गवर्नमेंट फील दैट द एंगर ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, देन गवर्नमेंट विदड्रॉ फर्स्ट टाइप ऑफ लॉ। अगर सरकार जानती है कि और जनता बहुत गुस्से में है और ये जनता के हित में नहीं है, उस स्थिति में बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं जहां पर जो लॉ बना है उसको सरकार ने भी ड्रॉ किया है, यानी उस लॉ को ख़त्म कर दिया गया है। नाउ लेट अस वी टेक एग्जांपल ऑफ द लॉ फॉर्मुलेटेड फॉर द बैनिंग वेंडर एंड हॉकर्स। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खास करके जो हॉकर हैं, वेंडर हैं, फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, उनके लिए लॉ बनाया गया कि ये फुटपाथ पर अपना सामान नहीं बेच सकते, क्योंकि फुटपाथ जो भी होता है रोड के बगल में बना होता है, उस पर पैदल चलने के लिए लोगों के लिए बनाया जाता है ताकि आराम से लोग आ जा सकें। बट इन आवर कंट्री, आवर कंट्री इज़ वेरी लार्ज, वास्ट कंट्री एंड आवर कंट्री पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, हमारा बहुत बड़ा विशाल देश है। देन एवरी ईच एंड एवरी पर्सन हैव राइट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है कि अपना जीवन यापन के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए वो अपना कोई व्यवसाय कर सके। उस स्थिति में कोर्ट दे सकता है कि जो भी हॉकर हैं, सबसे बड़ी बात ये हुई कि हॉकर जो भी हैं या वेंडर हैं, फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, सस्ते सामान बेचते हैं, लोग सस्ते सामान मिल जाते हैं और उनकी जीविका भी चलती है उससे, उस स्थिति में कोर्ट अगर उसको देखता है कि नहीं, वेंडर लोगों के हित में नहीं है लॉ, तो उस स्थिति को मैं उस लॉ को सर कोर्ट क्या करेगा, रोक लगा देता है, क्योंकि बहुत सारे उसे वेंडर लोग प्रभावित होते हैं जो हॉकर हैं, जो सामान फुटपाथ पर बेचते हैं, वैसे दुकानदार बहुत प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में कोर्ट उस लॉ को रोक लगा देता है। If we look at our history, we have many instances where people have defied the law for the larger interest of the country. अगर हम इतिहास में भी अगर जाएँ तो जब अंग्रेजों का शासन था तो हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के लोगों ने देश के हित, लोगों के हित के लिए बहुत सारे ऐसे नियमों को, इससे सिविल बहुत सारे ऐसे रॉलेट एक्ट था या बहुत सारे जो ऐसे लॉ बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उसके उन्होंने अवहेलना की, उसका विरोध किया। नाउ डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री, हमारा संविधान
देश को चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क कहने का मतलब है कि देश की जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे देश का शासन चलाया जाता है, उसमें किस व्यक्ति को कौन सा पद मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में अच्छी तरह से लिखी गई हैं। इफ ए लॉ इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल देन कोर्ट कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड सच टाइप ऑफ लॉ। अगर मान लीजिए देश की जनता को के लिए मौलिक अधिकार जो दिया गया है, मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता के शासन व्यवस्था या अच्छे ढंग से चलाने के लिए दिया गया है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, इसलिए उसको फंडामेंटल कहा जाता है। उस स्थिति में कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट में कोई कमी की जाती है तो कोर्ट उस स्थिति में उस कानून को रोक लगा देता। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, खास कर ये हाई कोर्ट को भी अधिकार है। तो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ये होता है, इसका मतलब ये होता है कोई भी कानून के नो वन इज अबव द लॉ, कानून कोई ऊपर नहीं है, चाहे गरीब हो धनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, सब लोगों के लिए कानून बराबर होता है। और कोई अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए सब पर समान रूप से उसको दंड दिया जा सकता है, उसको धनी गरीब को नहीं देखा जाता है। उस स्थिति में जो भी कानून बनता है या देश की जनता के हित में ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इस डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं, यानी एक काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ के द्वारा बिना नहीं चल सकती और रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी के बिना नहीं चल सकता। कहने का मतलब है दोनों डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए कानून का शासन होना जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।